एक जून को गंगा दशमी पर्व मनाया जाएगा। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते बनिपार के स्थित अग्रसेन हाउस में दो ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत किया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर प्रबंधक मानस गोस्वामी और सरस निकुंज के प्रवीण ने चांदपोल गणेश मंदिर महंत कैलाशन शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना की और आयोजन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को निमंत्रण दिया। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नाशो विघ्न ने बल भक्त और भगवान की जय। परम पावन गुलाबी नगरी के परम आराध्य देव राधा गोविंद देव जी की नगरी में अनवरत भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अनुरूप कई कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दिशा और निर्देशन के अनुसार इस वर्ष भी यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम आर्ष दिग्दर्शन ट्रस्ट के द्वारा मंदिर प्रबंधक के द्वारा और आचार्य पीठ सरस निकुंज की पावन वेला में ये आयोजन गंगा दशमी के दिन किया जा रहा है। वर्तमान समय में हमारे तिथि पर्व इतने रूप से निकल रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर लॉकडाउन की वजह से बड़े प्रभावित हो रहे हैं। अभी आदरणीय मानस भैया जी ने जो भाव दिया है उसी के अनुरूप और आर्षदिग संस्कृति के अनुरूप भी अभी कल ही में सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम होता था वो एक जोड़े का करके इस कार्य को भी सम्पन्न किया गया है। गंगा दशमी के पावन पर्व पर हर वर्ष जो दो साल से प्रतिवर्ष चल रहा था कि सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, पर लॉकडाउन के कारण मंदिर श्री गोविंद जी में इस वर्ष संभव नहीं हो पाएगा, पर परंपरा को निभाते हुए अग्रसेन भवन में गंगा दशमी के दिन वहाँ पे दो बटुक बालकों का वहाँ पे जिनके नाम दक्ष एवं वृक्ष है उनका वहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न होगा। ये समस्त कार्यक्रम ठिकाना मंदिर श्री गोविंद जी एवं आर्ष संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट और सरस निकुंज के आशीर्वाद से संपन्न किया जाएगा।